वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि यूकेरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है। ट्रांसक्रिप्शन हम सभी लोग जानते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, एक खास एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यूकेरियोट केस में, दो फैक्टर के साथ मिलकर काम करता है। और वो जो फैक्टर है यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो पहला फैक्टर है इसको बोला जाएगा टीबीपी, यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और जो दूसरा प्रोटीनेसिस फैक्टर है वो है टीएफ, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसकी कई सारी संख्या हो सकती है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, टीएफ सेकेंड ए बी सी नहीं है, डी ई एफ जी भी नहीं है, और यहाँ पे एच है। एच में दो तरह की एक्टिविटी पाई जाती है, काइनेज और हेलिकेज। यहाँ पर हमने हेलिकेज एक्टिविटी को लिख रखा है। अब यहाँ पर ये दो फैक्टर है, इसमें से जो पहला फैक्टर है टीबीपी और ये फैक्टर, ये दोनों साथ मिल करके कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन के तीन यूनिट है उसमें से प्रमोटर रीजन पर अटैच हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा यहाँ पर फैक्टर है, ये करता क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है वो प्रोमोटर जोन पर ही जाकर के उसको भेज देता है, यानी कि इंट्रोड्यूस करता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। हम सभी लोगों में, यानी कि यूकेरियोट्स के केस में, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तीन तरह से है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही तरह से होता है। और वो सिंगल पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीनों तरह के आरएनए को बनाता है, यानी कि आर एम और टी आरएनए को बनाता है। लेकिन यूकेरियोट के केस में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तीन टाइप का है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये जो तीनों एंजाइम हैं क्या क्या बनाता है, इस वाले से क्या बनता है, आर आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, इस वाले से क्या बनता है, एच एन आरएनए यानी कि हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और इस वाले से टी आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। लेकिन ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इस वाले एंजाइम से इसके सभी कंपोनेंट बनते हैं एक कंपोनेंट को छोड़ करके। अब यहाँ पे कंपोनेंट क्या है इसके, 28S R RNA, दूसरा है 18S R RNA, और जो थर्ड कंपोनेंट है 5.8S R RNA। लेकिन इसका एक जो कंपोनेंट है 5S RNA वो RNA पॉलीमरेज थर्ड से बनता है, तो यहाँ पर है ये 5S R RNA। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का भी फॉर्मेशन होता, तो यहाँ पर कुल तीन कंपोनेंट हो गया। यही एच एन आरएनए बाद में एम आरएनए के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और जो एमआरएनए है इसी से बनता है प्रोटीन। और ये जो यहाँ से ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मैसेज है, इसको सेंट्रल डोगमा के नाम से बोला जाता है। इसमें जो एमआरएनए है उसी को हम लोग इस डायग्राम से फोकस करके आगे बढ़ेंगे। तो आप जरा यहाँ पर गौर से देखिएगा, जो एमआरएनए है वो इन तीनों एंजाइम में से किससे बन रहा है, सेकेंड वाले से। अब यहाँ पर देखिए, हर एंजाइम का अलग अलग रोल है, यानी कि पहले वाले से क्या बन रहा है, आरआरएनए, दूसरे इस वाले से एमआरएनए, और तीसरे वाले से यहाँ पर टीआरएनए। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है आरएनए पॉलीमरेज में, यानी कि सबका काम अलग अलग है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो यहाँ पर पहला, दूसरा और ये जो तीसरा एंजाइम है, इस वाले से क्या बन रहा है आर, इस वाले से बन रहा है एम, और इस वाले से बन रहा है टी, यानी कि आर एम टी याद रख लीजिए, और 1 2 3 तो आपको याद ही रहेगा।
तो इस तरह से बड़ा आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये जो आपने यहाँ पर देखा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। डीएनए कैसा होता है? जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, इसको यहाँ पर जरा इस तरह से देखिए, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पे इसको स्ट्रेट बना रखा है जिससे थोड़ा सा आसानी से समझा जा सके। अब जिस पॉइंट पे ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, उस पॉइंट पर ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है ये क्या करेगा, ओपन होगा, और ये जो ओपन स्ट्रक्चर बनेगा इसी को बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता कौन है? अब यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर है हेलिकेज, ये करता क्या है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको ओपन कर देता, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी का नाम है ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ये जो एंजाइम है यहाँ पे अटैच है, ये सेकेंड कैटेगरी का मान लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर किसके बारे में समझना है, एमआरएनए के बारे में। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के पहले डीएनए में थोड़ा सा कुछ पोर्शन देखना पड़ेगा। डीएनए में एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ कोडेड और कुछ नॉन कोडेड पार्ट जीन्स का होता है, यानी कि पहले कोडेड, फिर नॉन कोडेड, कोडेड, नॉन कोडेड, कोडेड, यानी कि एक अल्टरनेट क्रम में ये अरेंजमेंट होता है जीन का। इस तरह का जो जीन अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है स्प्लिट जीन, यानी कि यहाँ पर इस तरह के जीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इस वाले पार्ट से जो कोडेड पार्ट है उससे आरएनए का कौन सा हिस्सा बन रहा है, एसेंशियल पार्ट, जिसको हम लोग एग्जॉन बोल रहे हैं। अब ये वाला जो नॉन कोडेड पार्ट है वो यहाँ पर ग्रीन वाले पोर्शन से दिखा रखा है, इससे क्या बनेगा, एंट्रॉन। इस तरह से यहाँ पर ग्रीन वाला हिस्सा क्या हो गया, एंट्रॉन, और जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है इसको आप एग्जॉन, तो एग्जॉन एंट्रॉन, एग्जॉन एंट्रॉन, फिर यहाँ पर देखिए क्या बन गया, एग्जॉन। तो यानी कि इस तरह से जो बन रहा है अभी फिलहाल नेसेंट आरएनए, ये आरएनए का नाम क्या है, इस आरएनए को बोला जाता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को आप कैसे, इसका पूरा नाम देखेंगे, हेटरोजीनस, एच हो गया, एन से क्या हो गया, न्यूक्लियर, और ये आरएनए तो है ही है। इसको प्री एमआरएनए भी बोलते हैं और इसी को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से भी बोला जाता है। अब यहाँ पर इसके कुल तीन नाम हो गए। अब जो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो एग्जॉन एंट्रॉन, एग्जॉन एंट्रॉन, इस तरह से ये सीक्वेंस पाया जा रहा है, यानी कि दोनों ही सीक्वेंस है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सीक्वेंस दोनों है। अगर इस तरह से जो एच एन आर एन ए बना है ये अगर देखा जाए तो फंक्शनल नहीं होता, इसको फंक्शनल करने के लिए इसमें कुछ प्रोसेस और स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी। एक चीज और यहाँ पे आपको समझना है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से जिस स्ट्रैंड से बनता है आरएनए उसको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसको कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से बोलते हैं। तो ये काफ़ी लंबा है, लेकिन जो फंक्शनल आरएनए बनेगा इससे वो छोटा साइज का होगा। अब यहाँ पर इस वाले एग्जॉन को हटाना है, तो हटाने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्प्लाइसिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। स्प्लाइसिंग में दो तरह के एंजाइम्स का रोल है, एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियेज और जो दूसरा है यहाँ पर वो है आरएनए लाइगेज, यानी कि ये जो प्रोसेस है इस दो एंजाइम की मदद से कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि जहाँ जहाँ इंट्रॉन आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है उसके ऊपर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, वास्तव में स्ट्रक्चर को बोला जाएगा स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम वहीं पर अटैच हो रहा है जहाँ पर ये इंट्रॉन वाला पोर्शन दिख रहा है।
अब ये होता क्या है, अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है एस एन आर एन ए, जो आपने यहां पर देखा ये लिखा हुआ स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए, और दूसरा इसमें क्या जुड़ जाता है, प्रोटीन। तो जो इससे स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोला जाएगा स्प्लाइसियोसोम। अगर इन दोनों को मिला करके बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा एस एन आर एन पी एस। और इसका प्रोनंसिएशन कैसे कर सकते हैं, इस नर्प के तरह से कर सकते हैं। ये यहां पर इसका एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है ये एटीपी की एनर्जी को यूज करके इस इंट्रॉन वाले पोर्शन को कट कर देगा, और जो बाकी पोर्शन होगा एसेंशियल पार्ट जो यहां पे ब्लैक्स है उसको जोड़ देगा। तो कटिंग वाला पोर्शन इस तरह के एंजाइम की एक्टिविटी से, और जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सॉन का वो इस एंजाइम की वजह से जुड़ जाता। तो स्प्लाइसिंग क्या हुआ, दिस इज द कटिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस। कटिंग किसकी हो रही है, इंट्रॉन्स की हो रही है, ज्वाइनिंग किसकी हो रही है, एक्सॉन्स की। अब यहां पर ये जो स्प्लाइसोसोम देख रहे हैं ये वास्तव में कैसे अटैच होता है, इस वाले पोर्शन पे जीयू और एजी का खास सीक्वेंस होता है, यहां पर भी होगा, यहां पर जैसे कि यहां पर लिखा यहां पर भी होगा, और जीयू 5 प्राइम के साइड में होगा, एजी 3 प्राइम के साइड में होगा। और इस तरह के रूल को बोला जाता है चैम्बॉन रूल, ये साइंटिस्ट के नाम पर बना है। तो यहां पर अगर ग्रीन पोर्शन कट गया और बाकी पोर्शन जुड़ गया है तो ये इस तरह से यहां पे स्ट्रक्चर बना है। लेकिन अभी ये कंप्लीट एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसके लिए यानी कि स्प्लाइसिंग के बाद एक प्रोसेस और होती है जिसको प्रोसेसिंग बोला जाता है। इस प्रोसेसिंग में दो चीजें हैं, पहला है कैपिंग और दूसरा है टेलिंग। अब इसी को दोनों को यहां पे समझना है। अब यहां पर कैपिंग की अगर बात करें तो कैपिंग क्या है, यहां पर देख रहे हैं इधर की ओर के कैप जैसा स्ट्रक्चर लगा है, और ये किससे बनता है, जीटीपी के मॉडिफाइड बेस से बनता है। और क्या ऐड हो जाता है इस जीटीपी में, मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर ये क्या बन गया है, ये हो गया है 7 मिथाइल जी, क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन, और यहां पे 3 फॉस्फेट है तो यहां पर ये हो जाएगा ट्राई फॉस्फेट। ये कैप को डिनोट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। तो यहां पर क्या हो गया है, कैपिंग। कैपिंग वाला जो एंड है वो 5 प्राइम है। इस वाले एंड पर क्या होगा, टेलिंग। यहां पे जो टेलिंग होगा उसमें बहुत सारे लगभग 200 से लेकर के 300 एडीनिलेट रेजिड्यूज जो है यहां पर ऐड होने लगते हैं। और ये जो एडिशन है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के हिसाब से होगा, यानी कि ये कोई टेम्पलेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। अब यहां पर इसके लिए बोला जाता है कि क्यों होता है, इस बात को क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन। ये जो यहां पे इतने एडिनेट रेजिड्यूज जुड़े हैं इस बात को बोला जाता है पॉली एडिनाइलेशन। अब ये इसलिए होता है कि जो यहां पर ये पूरा कंप्लीट एमआरएनए बना है उसको डिग्रेड यानी कि नष्ट होने से बचाया जा सके। अब यहां पर कुछ चीजों को और समझ लेते हैं कि जो ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ब्लू वाला पोर्शन, कहा जाता है कि जो पहला स्टार्ट कोडॉन होता है एमआरएनए पर वो है एयूजी, उसके पहले यानी कि इस साइड में एक खास अनट्रांसलेटेड रीजन होता है 5UTR, इसको और किस नाम से बोला जा सकता है, इसको बोला जाता है लीडर सीक्वेंस। और उसी प्रकार से जो इस वाले पोर्शन पे होगा यहां पे स्टॉप सिग्नल होगा, इसके बाद भी क्या होता है यूटीआर
सीक्वेंस होता है। अगर इसको लीडर सीक्वेंस बोला गया है तो इस वाले सीक्वेंस को बोला जाता है ट्रेलर सीक्वेंस। यहां पर अब ये जो पूरा सीक्वेंस बना है उसी को बोला जाएगा एमआरएनए, यानी कि ये है पूरा मैच्योर्ड एमआरएनए या स्प्लाइस्ड एमआरएनए। और ये जो एमआरएनए है यहां पे आप देख रहे हैं, ये हुआ इसका स्टार्ट सिग्नल, ये हुआ इसका स्टॉप सिग्नल, बीच में कोडिंग सीक्वेंस है जहां पर बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन्स लगे होंगे और इसी ट्रिपलेट कोडॉन की मदद से ट्रांसलेशन होता है, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये जो एमआरएनए बना है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो पोर है उस पोर से कहां पर आता है, साइटोप्लाज्म में। देखो क्या लिखा है यहां पर, कम्स इनटू साइटोप्लाज्म एंड इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये पूरा जो एमआरएनए बना है अब कहां पर आएगा, साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन में शामिल हो जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजों को और समझना है कि ये जो कोडेड है पोर्शन एग्जॉन है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, इसको कैसे और हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो इसी को अब चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ, यहाँ पर पहला सिग्निफिकेंस समझते हैं कि जो इस तरह का जीन है वो यहाँ पर किस नाम से बोला जा रहा है, स्प्लिट जीन के नाम से। और ये जो स्प्लिट जीन है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये एंशियंट फीचर है जीनोम की, यानी कि दिस इज द एंशियंट फीचर्स ऑफ जीनोम, ये पॉइंट समझना है। दूसरा पॉइंट अब हमको समझना है एच एन आर एन ए के ऊपर, ये जो अनवांटेड पोर्शन आप समझ रहे हैं यानी कि इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स तो नॉन एसेंशियल पार्ट है, तो इसको क्या समझा जाए, इसको एक और भी नाम से बोलते हैं, इसका नाम है इंटर वेनिंग सीक्वेंसेस, क्योंकि बीच बीच में आ रहा है इसलिए इसका नाम इंटर वेनिंग सीक्वेंसेस भी है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा कुछ खास फीचर को जिसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी। अब एंटीक्यूटी क्या है, एंशियंट फीचर है, ये रिमाइंडर, यानी कि ये रिमाइंडर की तरह से एंशियंट फीचर का। अब जो तीसरा हिस्सा है सिग्निफिकेंस का वह है स्प्लाइसिंग, यहाँ पर जो ये प्रोसेस के तौर पर है, स्प्लाइसिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंस ऑफ आरएनए, और इस डोमिनेंस ऑफ आरएनए को हम लोग किस नाम से समझेंगे, आरएनए वर्ल्ड। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट।